वेलकम टू माय चैनल माय इंग्लिश बुक। और आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं जोफी चौसर के पॉपुलर क्रिएशन द कैंटरबरी टेल्स के डिटेल्ड नोट्स को। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कैंटरबरी टेल्स के की फैक्ट्स को, ऑल पिलग्रिम्स के नेम को और इसके जनरल प्रोलॉग को। सो टाइम वेस्ट नहीं करता और बिगिन करते हैं अपने आज के वीडियो को। सो कैंटरबरी टेल्स एज वी ऑल नो रिटन बाय जोफी चौसर, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ 24 स्टोरीज एंड देयर आर 29 पिलग्रिम्स इन दिस क्रिएशन। और इसका टाइम पीरियड रहा है 1387 टू 1400। अब देखते हैं कैंटरबरी टेल्स एक्चुअली है क्या। सो कैंटरबरी टेल्स 24 स्टोरीज का एक कलेक्शन है। और ये 24 स्टोरीज कौन सुनाता है? ये जो 29 पिलग्रिम्स है ये इन स्टोरीज को सुनाते हैं, यानी कि नरेट करते हैं। और ये लोग इन स्टोरीज को नरेट क्यों कर रहे हैं, क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इनके बीच में एक स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज हुआ है इन सभी पिलग्रिम्स के बीच में। अब जब ये पिलग्रिम्स है तो जाहिर सी बात है ये सब कहीं जा रहे होंगे। तो ये जा रहे हैं श्राइन ऑफ मार्टियर सेंट थॉमस बैकेट एट कैंटरबरी कैथेड्रल। यहाँ पर ये 29 पिलग्रिम्स जा रहे हैं एक पर्टिकुलर जगह पे आकर के ये सब मिलते हैं जहां पर उनके बीच में ये बातचीत होती है। अब स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन है तो कुछ प्राइज भी होगा। तो इनका प्राइज है फ्री मील व्हेन दे विल बी रिटर्न एट टबार्ट इन एट साउथवार्क। और ये प्राइज उनको कौन देगा? टबार्ट इनका होस्ट हैरी बेली उनको ये प्राइज देगा। हैरी बेली ने उनको सजेस्ट किया है कि इस तरीके का स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया जाए। अब क्योंकि हैरी बेली ने ही सजेस्ट किया है कॉम्पिटिशन के बारे में और वो इनका होस्ट भी है, सो दैट्स वाई वो इस स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन का जज भी है। ये जो बुक है कैंटरबरी टेल्स, इसमें एक जर्नल प्रोलॉग है जिसमें हर एक पिलग्रिम का कैरेक्टराइजेशन बताया गया है। चौसर का वैसे तो ये इरादा था कि हर पिलग्रिम 4 स्टोरीज को नरेट करेगा। तो इस तरीके से ये जो क्रिएशन है इसमें ओरिजिनली प्लान किया गया था कि टोटल 120 स्टोरीज रहेंगी, बट अनफॉर्चुनेटली द कैंटरबरी टेल्स जोफ्री चौसर का एक इनकम्प्लीट वर्क है। वो इस वर्क को कंप्लीट नहीं कर पाए थे। उन्होंने कम से कम 10 साल से भी ऊपर का समय लिया था इसको कंप्लीट करने के लिए, एंड अनफॉर्चुनेटली जोफ्री चौसर की डेथ हो गई और कैंटरबरी टेल्स इनकम्प्लीट वर्क रह गया। अब देखते हैं इन 29 पिलग्रिम्स के नेम। आखिर 29 पिलग्रिम्स है कौन जो इतनी सारी स्टोरीज को नरेट करेंगे? लाइन बाय लाइन देखते हैं। द नाइट, द स्क्वायर, ये दोनों फादर एंड सन है। द योमैन, योमैन स्क्वायर का सर्वेंट है। द मिलर, द रीव, द वाइफ ऑफ बाथ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। द क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड, द फ्रैंकलिन, द फिजिशियन, द पार्टनर, द शिपमैन, द प्रायनस, द मॉन्क, द नन्स प्रिस्ट, द मर्चेंट, द फ्रायर, द सर्जेंट ऑफ लॉ, द गिल्ड्समैन। द गिल्ड्समैन इज अ ग्रुप ऑफ 5 मैन। द कुक, द पार्सन, द प्लाउमैन, ये दे बोथ आर ब्रदर्स। द मैंसिपल, द समनर, द नरेटर चौसर, एंड द लास्ट वन इज द होस्ट हैरी बेली। आई होप इतना वीडियो आपको क्लियर है। बात कर लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग की फैक्ट्स की द कैंटरबरी टेल्स के बारे में। सो सबसे पहला तो की फैक्ट इसके बारे में ये है कि इसमें जितनी भी स्टोरीज हैं उनमें से 2 को छोड़ करके बाकी सब स्टोरीज पोएट्री में है। जो 2 स्टोरीज प्रोज में है वो है पार्सन्स की स्टोरी एंड द टेल ऑफ मेलिबी। ये दोनों स्टोरीज प्रोज में है, बाकी सब पोएट्री में है। फर्स्ट टाइम हैरी बेली का जो नाम है वो कुक की स्टोरी में आता है। जो नाइट है काफी पॉपुलर कैरेक्टर है और इसकी जो स्टोरी है वो भी काफी पॉपुलर है। अगर आपको इनमें से किसी की स्टोरी का डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो जरूर लेकर आऊंगी। नाइट की स्टोरी काफी पॉपुलर है। सो नाइट की जो स्टोरी का सोर्स है वो है टेसिडिया डेलेनोस डी इमिलिया। यहां से ली गई है नाइट की टेल जो इसने सुनाई है द कैंटरबरी टेल्स में। तो चलिए अब बात करते हैं इन पिलग्रिम्स के जो स्टोरीज हैं उनके जॉनरा, यानी कि शैली, कौन सी शैली में उनको लिखा गया है, एंड उनके वर्स को। सो इसमें मैंने जो मेन पिलग्रिम्स हैं उनकी स्टोरीज के जॉनरा और वर्स को डिस्क्राइब किया है। तो सबसे पहले आते हैं नाइट। इनकी स्टोरी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जॉनरा उसका है रोमांस, आयम्बिक पेंटामीटर में वो लिखी गई है। द मिलर स्टाइल, दिस इज फैबलियो, रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। रीव स्टाइल इज ऑल्सो फैबलियो, रिटन इन राइमिंग कपलेट्स। जो सबसे डिफरेंट स्टोरी हमें देखने को मिलती है दैट इज ऑफ वाइफ ऑफ बाथ, इनकी जो स्टोरी है उसकी जॉनरा है आर्थुरियन रोमांस एंड रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। कलर्क स्टाइल इज अ फॉक टेल, रिटन इन राइम रॉयल। फ्रैंकलिन की जो टेल है दैट इज ब्रिटोन ले एंड रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर।
पार्डन की टेल है एक मॉरल एग्जाम्पलम, दिस इज ऑल्सो रिटन इन आयम्पिक पेंटामीटर। मॉक की जो टेल है दैट इज अ ट्रेजेडी, और इनकी स्टोरी का जो स्टैंजा है 8-4 स्ट्रेस लाइंस आर इन राइमिंग, और उनकी राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी बी सी बी सी। प्रायरस की टेल का जो जनरा है दैट इज मिरेकल ऑफ द वर्जिन सबसेट ऑफ मेडिवल सेंट्स लीजेंड रिटन इन राइम रॉयल। द नन्स प्रीस्ट्स टेल, दिस इज मॉक हीरोइक बीस्ट फेबल एंड रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इसी वीडियो का एक सेकंड पार्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें मैंने डिस्कस किया है ऑल 29 पिलग्रिम्स के पोर्ट्रेट को। सभी पिलग्रिम्स के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है कौन पिलग्रिम कैसा दिखाई देता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। So don't forget to watch the second part of this video, and if you like this video, do not forget to share it with your friends, comment your feedback and subscribe to my channel.